नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सलमान खान की राधे अगर आपको व्हाट्सएप पे आती है और आप कहीं और फॉरवर्ड करते हो तो आपको पड़ सकता है महंगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड पहुंच गए थे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे और दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को आदेश दिए है कि वो अकाउंट सस्पेंड करो जो ये मूवी का इलीगली कॉपी करके पायरेसी कर रहे हैं। आइए करते हैं हम उसी बारे में डिटेल में बातचीत। ये फाइन ने अपनी जो एप्लीकेशन था, अपनी जो केस थी, उसमें कौन से मुद्दे रखे थे उस पर बात करते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट में ऐसा बोला था कि हमारी जो मूवी जो है वो 13 मई 2021 को रिलीज हुई थी, वो हमारे एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी फाइव पे वो रिलीज हुई थी। ये पब्लिक व्यूइंग के लिए करी गई थी और ये पे पर व्यू बेसिस करी गई थी। ये एंटरटेनमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये फिल्म जो है ये विक्टिम बन चुकी है पायरेसी की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप पे भी ये मूवी फैल रही है। ये एंटरटेनमेंट को पता चल गया था कि ये मूवी के अलग अलग इलीगल कॉपीज आ गए हैं, अलग अलग वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं। अनलॉफुली ये मूवी जो है ये कॉपी की जा रही है, स्टोर की जा रही है, रिप्रोड्यूस की जा रही है, ट्रांसमिट की जा रही है, सर्कुलेट की जा रही है, शेयर की जा रही है, बेची भी जा रही है। तो उसी के चलते जी एंटरटेनमेंट जो है वो 14 मई को पहुंच गए थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र साइबर डिजिटल क्राइम यूनिट के पास। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत गुनाह दाखिल किया। उसके बाद भी वो पहुंच गए थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास भी पहुंच गए थे। साथ ही साथ उन्होंने एफआईआर भी दाखिल की थी। उसके बाद वो पहुंच गए थे व्हाट्सएप के पास। अलग अलग चैनल्स के साथ उन्होंने डिटेल शेयर करे थे व्हाट्सएप को, साथ ही साथ फोन नंबर भी व्हाट्सएप को शेयर किए थे कि जहां जो जो फोन नंबर जो है वो ये राधे मूवी का पायरेसी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। व्हाट्सएप की तरफ से उनको कोई भी जवाब नहीं आया। तो उसी के चलते ये केस दाखिल हुआ दिल्ली हाईकोर्ट में। तो ये केस के चलते व्हाट्सएप की पॉलिसी भी वहां पे प्रेजेंट की गई थी। व्हाट्सएप पे आप कोई भी इलीगल कंटेंट नहीं डाल सकते, कॉपीराइट वाले कंटेंट आप नहीं डाल सकते, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये ऐसी व्हाट्सएप की पॉलिसी भी ये केस के तहत पब्लिश करी गई थी। तो आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने फाइनल फैसला क्या दिया है। यहां तक बात है कि जी एंटरटेनमेंट जो है उनको जो जो नाम सामने आए थे जिन्होंने पायरेसी करी थी, वो अकाउंट सस्पेंड करने को दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले बोल दिया है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप को ये भी आदेश दिए है कि अगर जी एंटरटेनमेंट उनके पास ऐसे किसी लोगों की लिस्ट, फोन नंबर की लिस्ट देता है, तो व्हाट्सएप वो वाले अकाउंट 24 घंटे के अंदर सस्पेंड करे। जब भी जी एंटरटेनमेंट व्हाट्सएप को फोन नंबर की लिस्ट देगा तो व्हाट्सएप जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं जो लोग राधे मूवी का पायरेसी कर रहे हैं। तो राधे मूवी का पायरेसी करना पड़ गया बहुत लोगों को महंगा, उनका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो डिलीट होने वाला है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस भी दाखिल हो सकता है जो ये मूवी को बेच रहे थे, मूवी को कॉपी करके इलीगली बेच रहे थे, उनके खिलाफ कड़ा रुख आजमाने वाले हैं। आपके इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और ये केस की अगली सुनवाई होने वाली है 1 जून 2021 को। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।